बात अगर स्वतंत्रता दिवस की हो तो कारगिल की याद हर भारतवासी के जहन में आ ही जाती है आइए हम और आप एक बार फिर उन वीर शहीदों को याद करें जिन्होंने आज से 21 साल पहले भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए सन 1999 वो काली रात जिसे कोई हिंदुस्तानी भुला नहीं सकता पाकिस्तान के नपाक इरादों से बचाने के लिए हमारे जवान अपनी ला से बिछा गए दोस्ती के लिए हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ क्या बढ़ाई पाकिस्तान ने पूरी हाथ ही पकड़ने की कोशिश की लेकिन हमारे वीर सपूतों ने एक दो नहीं पूरे साठ दिन तक लड़ाई लड़ी लेकिन कहते हैं ना भारत यदि अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ता है तो कभी असफलता हाथ नहीं लगती 26 जुलाई 1999 को भारत ने जंग जीतने की घोषणा कर दी ये वो योद्धा थे जिसपे को गर्व है करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस पचास डिग्री के तापमान पर लड़ाई लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे वहीं 250 पाकिस्तानी सैनिक तो हमारे जवानों की साहस के डर से ही युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हमारे देश के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है आज 15 अगस्त को उन वीर सपूतों को हम तहे दिल से नमन करते हैं कारगिल युद्ध हमें याद दिलाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिसकी खून में बहादुरी और एकता है हमारी भारत माता की लाज पर जब भी बात आई है हमने एक होकर अपनी मां की रक्षा की है दुश्मनों को धूल चटाई है हमारे देश के सैनिक भारत माता के रक्षक हैं हर हिंदुस्तानी को इस पर गर्व होना चाहिए आज देश की आज़ादी के दिन हर उस सैनिक को याद करने का दिन है जिसने अपने जान की कुर्बानी दे दी देश की रक्षा करते हुए उन माओ को याद करने का दिन है जिनकी गोद सुनी है उन बहनों को याद करने का दिन है जिनकी राखी आज भी उस भाई का इंतजार कर रही है जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए लाइफ इंडिया परिवार के तरफ से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा आसमान में चमक रहा है देश का सितारा आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें दुआएं लहराता रहे तिरंगा हमारा